मैंने बता रखा है दोस्तों 12 बजे से आपकी क्लास होती है, 10 मिनट क्लास दोस्तों आज लेट है, जल्द से जल्द सभी लोग लाइव जुड़ जाए प्यारे साथियों, और एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमारी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच पा रही है कि नहीं, बोर्ड की क्लियरिटी दिख पा रही नहीं दोस्तों, आवाज़ हमारी आप तक क्लियर पहुंच पा रही है कि नहीं, अब बफर सके उनको भी इन्फॉर्मेशन हो जाए क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बेसिक तरीके से ऐतिहासिक क्लास होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत नया चैप्टर है दोस्तों, हमने बता रखा है सिंपल इंटरेस्ट का एक बड़ा भाई होता है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी पैसे ब्याजों पर ब्याज कमाना जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, इसी टॉपिक हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो सभी लोग दमदार तरीके से वीडियो को शेयर कर दें और जल्द से जल्द दोस्तों ये जरूर बताएं कि हमारी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच पा रही कि नहीं। जी ओके ओके, क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है, जैसा कि बताया आपको आज की दोस्तों चैप्टर होगा जो है आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। INT कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत साथी कमेंट आता है सर बड़ा में लिखा करें, तो ठीक है आज से बड़ा लिखेंगे दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज जिसे इंग्लिश में दोस्तों क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। उम्मीद करता हूं दोस्तों दिख रहा होगा और हमारी आवाज़ भी आप तक क्लियर पहुंच पा रही होगी। कोई डाउट दोस्तों, कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और सभी लोग पेन और कॉपी लेके जरूर बैठें, बहुत ऐतिहासिक क्लास होगी, बड़ी लाजवाब क्लास होगी दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको हमारी बात पहुंच पा रही होगी दोस्तों, आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी, तो सभी लोग जल्द से जल्द दोस्तों जुड़ जाएँ, और जितने आपके साथी मैच नहीं है हम शून्य से लेकर शिखर तक मैच पढ़ेंगे, जीरो लेवल से लेकर स्टैंडर्ड लेवल तक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। हमने सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट किए थे परसेंटेज आपका खत्म हो गया दोस्तों, इसके बाद प्रॉफिट इन लॉस, फिर आपका डिस्काउंट दोस्तों, चौथा क्या था आपका चैप्टर अभी हम लोग पढ़ के आए, सिंपल इंटरेस्ट, ये दोस्तों पांचवा होगा आपका क्या, मैंने बताया कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी तरह दोस्तों क्रम बाय क्रम से हम जितने भी चैप्टर हैं हमने बता रखे हैं, अर्थमेटिक में 22 या 23 चैप्टर हैं टोटल चैप्टर के बाद, अगर आप कंटिन्यू बने रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, बूंद बूंद से सागर भरता है दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहें पक्का सफलता मिलेगी, कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करते रहें, खूब मेहनत करें। सभी लोग जल्द से जल्द एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमारी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच पा रही है नहीं। इसके बाद चलते हैं अपने टॉपिक पे, चक्रवृद्धि ब्याज, जो नए साथी हैं हेडिंग डाल लीजिएगा, नया चैप्टर का नाम है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, जो नए साथी हैं चैप्टर का नाम डाल दें कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। आप थोड़ा सा भी पब्लिश है, आप जाके वहां से पढ़ सकते हैं, अपलोड हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों तक हमारी आवाज़ पहुंच पा रही होगी, आइए चलते हैं टॉपिक पे जो कि अहम है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है रियल में दोस्तों, रियल लाइफ अगर रिलेट किया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, चक्रवृद्धि क्या है, तो चक्रवृद्धि दोस्तों हमने बता रखा है आपका दो ब्याज होते हैं, एक होता है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, हमने बता रखा था जो हमारे साधारण ब्याज की क्लास लिए होंगे दोस्तों उनको अच्छे से पता होगा, SI जो हमारी क्लास लिए होंगे जिन्होंने, पहला होता है दोस्तों साधारण ब्याज और दूसरा क्या होता है कहेंगे सर चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, दो तरह के ब्याज होते हैं दोस्तों। तो हम साधारण ब्याज तो पढ़ चुके हैं, आज का जो आपका चैप्टर है क्या नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है तो दोस्तों जानते हैं आम भाषा में, आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा यूनिक तरीके से बहुत सरल भाषा में। देखिए जैसे सपोज करते हैं दोस्तों आप 50,000 जरूरत है दोस्तों, आपके घर में कोई इमरजेंसी आ गई 50,000 आपको ज़रूरत है, तो हमने बता रखा था कि 50,000 आपको लेने के लिए दोस्तों 3-4 कंडीशन होते हैं। पहले कंडीशन ये होते हैं आपका जिस हिसाब से क्रेडिट हो, जिस हिसाब से आपका व्यवहार हो दोस्तों, उस हिसाब से आप जाएँ किसी पर्सन के पास जिनसे आपका कुल मिला के वो आपको जानते पहचानते हो तो, और आपका उनसे क्रेडिट अच्छा है, वो कहेंगे ठीक है हम आपको 50,000 रुपये दे रहे हैं, आप ले जाइए अपना काम करिए, आपका काम हो जाए तो हमारे 50,000 आप लौटा दीजिए। पहले व्यक्ति ऐसे होते हैं दोस्तों, मैंने बता रखा है दुनिया में इस 50,000, लेकिन कंडीशन ये है दोस्तों कि आप एक काम करिए अपने खेत का जो भी डॉक्यूमेंट है हमें दे दीजिए, हम आपके खेत गिरवी पर रख ले हैं, जैसे ही आपका काम हो जाएगा आप पैसे लौटाएंगे हम आपका कागज लौटा देंगे, इस तरह के भी होते हैं। तीसरे पर रहा जहाँ जितना मिल जाए उस हिसाब से सब लोग दर अपना लगाते हैं, यानी रेट जिसे बोलते हैं क्या दोस्तों, रेट हमने बता रखा है दर, कहीं 5% है, कहीं 6% है, कहीं आपका 8% है दोस्तों, कहीं 4% है, कहीं 3% है, जैसा जो जैसा मिल जाए, जहाँ का जैसा सिटी हो, जैसा जहाँ का माहौल हो। उन्होंने कहा ठीक है हमें आप 50,000 रुपये दे दीजिए,
बात हो जाएगी 2 साल 3 साल इतने साल के बाद इतने दर के हिसाब से निश्चित समय दर से निश्चित समय होगा और निश्चित क्या होगा दोस्तों दर होगा, उसके बाद आपको पेमेंट वापस करना होगा। सपोज कर ये तो हो गया साधारण ब्याज के पूरा क्लियर मैंने जो कि एक बार बता रखे हैं सिंपल इंटरेस्ट में। जो मुद्दा है दोस्तों कि ये क्या है इसके बारे में आइए गहन अध्ययन करते हैं। तो जैसे मान लीजिए 50,000 रुपये आपने किसी को दे दिया दोस्तों, 50,000 रुपये आपने किसी को दे रखा है। अब 50,000 दोस्तों मान लेते हैं एक वर्ष में यहाँ का ब्याज हो गया दोस्तों, मान लेते हैं कितना 10,000 रुपये, मान लेते हैं सपोज दोस्तों 10,000 रुपये ब्याज हो गया। यहाँ मान लेते हैं दोस्तों 50,000 का अमाउंट कितना हो गया ब्याज 10,000 रुपये हो गया एक साल में। अब कंडीशन है दोस्तों कि अब जो ब्याज दोस्तों दिया था, जो मूलधन दिए थे अपना अमाउंट जिन्होंने दिया था उसका IQ लेवल तेज था, बहुत दिमागदार था, उन्होंने कहा एक काम करिए भाई अब मुझे ब्याज नहीं चाहिए, अब मेरा जो ब्याज होगा मूलधन में इंक्लूड ऐसे इंक्लूड हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा यानी ऐड हो जाएगा दोस्तों मूलधन में। तो टोटल कितना हो जाएगा कहेंगे सर 60,000 हो गया, ये 60,000 हो गया। अब 60,000 पे ब्याज चलेगा, उम्मीद करता हूँ हमारी बात आप समझ पा रहे होंगे। अगर आम बात हम दोस्तों कहा जाए कि आपको कोई अमाउंट आपने किसी को दिया है या आप किसी से लिए हैं, तो जो भी अमाउंट लिए हैं जो भी उसका ब्याज होगा दोस्तों एक साल में, वो ब्याज ऐसे निरंतर लगातार ऐसे ही मूलधन में ऐड होते चले जाएंगे। कहने मतलब है ब्याजों का ब्याज मिलना उसे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, इसे CI से व्यक्त करते हैं, CI से कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। आइए चलिए इसमें कुछ पॉइंटेड हैं दोस्तों उसे नोट कर लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं उसे आप नोट करें। काम को भी आप बदल सकते हैं, आप उसे कर सकते हैं, कोई भी आपके लिए दोस्तों नामुमकिन नहीं अगर करना चाहें कोई भी वर्क। तो इसलिए आपको कोई भी परीक्षाएं दोस्तों प्रिपरेशन करते रहना है और आपको एम दोस्तों हमेशा ऊंचा बना के चलना है, हमें एक सीट चाहिए चाहे जो वैकेंसी हो दोस्तों, हमें एक सीट चाहिए, आपकी जिद होनी चाहिए। और हमने बता रखा है जिस तरह की आपकी दोस्तों भूख होगी किसकी कंपटीशन की नहीं दोस्तों सफलता की, उस हिसाब से आप क्या करेंगे अपनी रफ्तार बढ़ाएंगे। जानते हैं जब शेर दोस्तों जंगल का ज़्यादा भूखा होता है तो जो दौड़ता है ना अपनी रफ्तार दुगुनी से दौड़ता है, अपना रफ्तार दुगुना कर देता है। इस तरह आपकी भी चाहत जो है दोस्तों आपकी जो सफलता की चाहत है वो कितना आप एक्टिव हैं उसके लिए, इस हिसाब से इस प्रिपरेशन से इस प्लानिंग से आप अपना रणनीति तैयार करिए और खूब प्रैक्टिस करिए। उम्मीद करता हूँ हमारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, आइए चलते हैं टॉपिक पर। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है हमने बता रखा है। आइए कुछ पॉइंटेड हैं दोस्तों इसमें फैक्ट उसे हम लिखवा दे रहे हैं उसे आप नोट कर लें जी। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है इसे दोस्तों लिखवा दे रहे हैं आपको नोट करें। पहला पॉइंट नोट करिएगा, नोट पहला पॉइंट नोट करिए दोस्तों, जब मूलधन पर ब्याज मिलता है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं, जब मूलधन पर ब्याज मिलता है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। ये शायद हमने लिखवा भी रखा है सिंपल इंटरेस्ट में, जब मूलधन पर ब्याज मिलता है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं फुल स्टॉप। ये पहला आपका पॉइंट है दोस्तों। दूसरा पॉइंट नोट कराने चल रहे हैं उसे अच्छे समझिएगा। दूसरा पॉइंट, जब ब्याज और मूलधन दोनों पर ब्याज मिलता है तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, जब ब्याज और मूलधन दोनों पर ब्याज मिलता है तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। आइए देख लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज मैंने बता रखा है दोस्तों क्या होते हैं किस तरह से हैं सब मैंने बात बता रखी है। आइए ए बराबर दोस्तों फार्मूला है आपका पी ब्रैकेट में 1+R, आर क्या है दोस्तों दर बटे 100, पावर क्या दोस्तों टी, ब्रैकेट में लॉक करिए इसे। एक एक बात दोस्तों आपको बताते चलना हो, आपका जो भी कंसेप्ट है दोस्तों क्लियर कराते चलूँगा, यूनिक तरीके से बताने का प्रयास करूँगा, बहुत स्लो क्लास चलेगी आपकी, कंटिन्यू समझते चलें और खूब अच्छे से नोट्स बनाएं, पेन और कॉपी लेके जरूर बैठे प्यारे साथियों। आइए देखते हैं, ये दोस्तों आपका फार्मूला हो गया। अब यहाँ लिख देंगे दोस्तों जहाँ, सारी बात हमने बता रखी, आइए फिर से एक बार रिमाइंड दिला रहे हैं आपको, जहाँ ए बराबर क्या है कहेंगे सर मिश्रधन है, ए बराबर क्या है दोस्तों कहेंगे सर मिश्रधन, पी बराबर क्या है कहेंगे सर प्रिंसिपल अमाउंट यानी क्या है दोस्तों मूलधन, आर बराबर क्या है कहेंगे सर दर है, टी बराबर क्या है समय है। यहाँ तक कोई डाउट किसी साथी को बताएं। हमने अभी तक एक फार्मूला लिखा है ए बराबर पी 1+R/100 power T, टी क्या होता है दोस्तों समय है, ए क्या है मिश्रधन है, पी क्या है मूलधन है, आर क्या है दर है।
रेट जिसे बोलते हैं दोस्तों, यही हमने लिखवा रखा। सबसे पहले दोस्तों हमने बताया कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपका चैप्टर का नाम है। नोट्स जो हमारे साथी बना रहे हैं वो यहीं से स्टार्ट करें, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हेडिंग है दोस्तों, यही चैप्टर का नाम है। उसके बाद हमने दो पॉइंट लिखवाया, जब मूलधन पर ब्याज मिलता है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखवाया हमने, जब ब्याज और मूलधन दोनों पे ब्याज मिलता है तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद दोस्तों यही फार्मूला हमने लिखवा रखा है, इसे आप नोट कर लें, फार्मूला है, नोट करें दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं, बहुत अच्छी क्लास होगी दोस्तों आपकी। बहुत साथियों को डर होता है सर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज बहुत टफ है, हम क्वेश्चन छोड़ देते हैं। आज से दोस्तों आपका सारा डर खत्म हो जाएगा, आप ऐसे क्वेश्चन, इस टॉपिक के क्वेश्चन, इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन होंगे ओरल लगाएंगे, और तमाम क्वेश्चन ऐसे दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप ऑप्शन से हिट कर देंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको जो भी बातें मैं समझा रहा हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। सभी लोग जल्द से जल्द लाइव जुड़ जाएँ, और आप लोग कम से कम दोस्तों 10 ग्रुप में अपने वीडियो को शेयर करें, कम से कम 10 लोग को वीडियो को शेयर करें, उनको भी सूचना मिल सके कि आपकी क्लास मैथ ही स्टार्ट हो चुकी है। बहुत बेसिक क्लास है, और टाइमिंग आपको पता है दोस्तों 12 बजे से क्लास रहती है मैथ की, इंडिविजुअल मैथ की। देखिए दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। नींद वो नहीं दोस्तों जो सपने में आए, नींद वो होनी चाहिए दोस्तों जो आपको सोने ही ना दे, आपको सोना हराम करे दोस्तों, आपकी आंखें जो है लाल हो जाए। आप दिन रात प्रैक्टिस करिए, जागते हुए दोस्तों सपने देखिए ना कि सोने के बाद, ठीक है। नींद में सपना जो देखें वो सपना नहीं होता दोस्तों, सपना वो होता है जो आपको सोने ही ना दे, आपका सोना दोस्तों मुहाल कर दे। आपको दिन रात एक ही जज होनी चाहिए, एक ही आपका कमेंट होना चाहिए, मुझे सरकारी गवर्नमेंट जॉब चाहिए दोस्तों, जिद होना चाहिए। जहाँ सिलेक्शन एक जिद है, आप लेके रहेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, आप एकदम अपने आप को दोस्तों मैंने बता रखा है मोटिवेट करते रहें, तभी कुछ हो पाएगा प्यारे साथियों। जानते हैं हमारे मोटिवेट या किसी और के अन्य मोटिवेट करने दोस्तों केवल आप 48 घंटे 24 घंटे मोटिवेट रहेंगे, लेकिन जब आप अपने मोटिवेट होंगे तो काफ़ी देर तक मोटिवेट रहेंगे। इसलिए खूब अच्छे दोस्तों पढ़ें और प्रैक्टिस करते रहें, तभी कुछ हो पाएगा। एक दिन नहीं होता दोस्तों, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है, इसलिए खूब पढ़ें, जितना हो सके दोस्तों उतना पढ़ने का प्रयास करें। आइए देखते हैं, हमने बता रखा दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला हमने लिखवा रखा। एक फार्मूला होता है दोस्तों आपका CI बराबर A माइनस P। अब यहाँ जहाँ लिखना चाहें दोस्तों, जहाँ आप नीचे लिखिएगा, जहाँ CI बराबर पता है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें कोई डाउट नहीं। A बराबर क्या है अभी मैंने लिखवा दिया है, मित्रधन है। P बराबर क्या है, मूलधन है, कोई डाउट, तीनों बात हमें बता रखी। CI बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट, A बराबर मिश्रधन, P बराबर मूलधन। अब इसी फार्मूला दोस्तों हम एक और फार्मूला बना रहे हैं, उसे अच्छे से समझने का प्रयास करें। CI बराबर A का फार्मूला दोस्तों अभी हम लोग लिखें, क्या लिखें, कहेंगे सर A बराबर लिखें P और ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 और पावर T, यही लिखें भाई, नहीं कोई डाउट यहाँ तक, किसी साथी को कोई डाउट हो बताएं। ये फार्मूला हमने A के इक्वल, इतना फार्मूला हमने अभी भी लिखवाया है। ये बताइए CI बराबर A माइनस P है तो A के प्लेस पे इतना पूरा मान दोस्तों रख सकते हैं, कहेंगे हाँ सर रख सकते हैं, क्योंकि A के बराबर यही है दोस्तों, P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 पावर T। तो यहाँ लिख सकते हैं P और ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 पावर कितना T, यहाँ तक तो कोई डाउट हो बताएं, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। इसके बाद दोस्तों क्या है, माइनस P है, ये वाला P दोस्तों माइनस P। अब इसमें करना कुछ नहीं, P कॉमन ले लेते हैं, दोनों में P है दोस्तों, LCM ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के 1 प्लस R बाई 100 पावर कितना T, अब इसके जगह दोस्तों क्या बचेगा माइनस 1, यानी CI का फार्मूला क्या निकल गया दोस्तों, CI का फार्मूला निकल गया आपका T, यहाँ कर दीजिए, ठीक है, ये आपका CI का फार्मूला निकल गया। यानी CI बराबर एक फार्मूला दोस्तों आपका और हो जाएगा, कहेंगे P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 पावर T माइनस 1, दो CI का फार्मूला बता दिए, पहला फार्मूला ये हो गया और दूसरा फार्मूला ये हो गया। यहाँ तक किसी साथी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और डाउट ना हो दोस्तों, यहाँ तक मामला क्लियर हो तो बताएं, आगे चलते हैं। ओके, शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है दोस्तों, शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा।
इसलिए दोस्तों शिक्षा बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा अस्त्र और शस्त्र है दोस्तों। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें, बार बार मैं कह रहा हूँ, हार्ड वर्किंग राइट डायरेक्शन। आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं लेकिन दिशा आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट, ये महत्व रखता है दोस्तों कि आपका दिशा किस दिशा में आप मेहनत कर रहे हैं। दिन रात आप प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन क्या दिशा सही है, तो दिशा आप सबसे पहले अपना कुल मिला के एक निर्धारित करिए, मुझे किस डायरेक्शन में मेहनत करना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए खूब प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतना ज़्यादा आपके चेहरे पर निखार आएगा प्यारे साथियों। खूब प्रैक्टिस करें, और मैंने बता रखा है बहुत साथी जो कमेंट करते हैं, चैटिंग करते हैं व्हाट्सएप, इसमें क्या नाम है, क्लास चलते समय, तो उस समय आप चैटिंग ना करें, मैंने बता रखा है दोस्तों। आप केवल पढ़ने पर ध्यान दें, एक घंटे या 45 मिनट समय मिलता है उसे खूब आप मेहनत करें, और चैट ज़्यादा ना करें, बस एक बार रिपोर्ट कर दें हम आ गए हैं और आवाज़ आपकी क्लियर आ रही है सर, इसके बाद हम लोग टॉपिक पर चलें। जो भी आपको क्वेश्चन के संबंधित है दोस्तों समस्या, उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके, आइए चलते हैं आगे। यहाँ तक हो गया होगा उम्मीद कर रहा हूँ, हमने अभी तो कुछ नहीं किया दोस्तों, बस एक फार्मूला और दो तीन फार्मूले हमने बता रखे हैं, उम्मीद करता हूँ ये तीनों फार्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो बताएं दोस्तों, यहाँ तक किसी साथी को कोई समस्या हो तो बताने की जरूर जी। आइए चलते हैं अगले टॉपिक पर, अगले क्वेश्चन पर। जानते हैं अगर कोई भी दोस्तों अगर आपको मकान बनाना है तो काम पे सबसे पहले मकान बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी जो दोस्तों नींव होती है यानी नीचे का जो उसका पोर्शन होता है उसे मजबूत करना पड़ेगा, तभी क्या करेंगे दोस्तों आप मकान को काफ़ी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, क्योंकि आपकी जो जड़ है दोस्तों, जो मकान का नीचे वाला पोर्शन है बहुत क्या है, मजबूत है, इसलिए आप मकान को चाहे जितनी ऊंचाई तक बनवा सकते हैं, दो मंजिला तीन मंजिला जितना बनवाना हो आप बनवा सकते हैं। इसलिए कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर, कोई भी हेडिंग अगर आपको पढ़नी है, पहले उसके पहले दोस्तों क्या करना पड़ता है, बेसिक आपको समझना पड़ेगा, CI क्या है, SI क्या है, P क्या है, A क्या है, ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। बहुत साथी कमेंट आता है सर एक काम करिए आप बहुत बेसिक बता रहे हैं, बेसिक इसलिए बता रहे हैं दोस्तों क्योंकि जो हमारे कमज़ोर साथी हैं उनको भी समझ में आ जाए चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। बहुत साथी हमारे इसमें ऐसे होंगे जो चक्रवृद्धि ब्याज का नाम पहली बार सुन रहे हैं और नहीं पढ़े होंगे अभी तक चक्रवृद्धि ब्याज और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। हमें उन लोगों को लेकर चलना है जो सच में मैथ सीखना चाहते हैं, उन्हें मैथ अभी नहीं आती है, वो भी इच्छुक है मैथ पढ़ने के लिए, वो मैथ डरते हैं, मैथ दूर भागते हैं कि मैथ मुझे नहीं आ सकती, मैथ बहुत टफ है, तो उनके लिए स्पेशल क्लास है प्यारे साथियों। इसलिए मैं बेसिक बता के चलूँगा दोस्तों, सबसे पहले बेसिक क्लास में आपका जो भी क्वेश्चन दोस्तों हमने बता रखा है बहुत ही ईजी क्वेश्चन रहेंगे, बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, जैसे जैसे आपका कंसेप्ट क्लियर होते चलेगा वैसे वैसे क्वेश्चन का हाई लेवल दोस्तों हम लोग बढ़ाते चलेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आइए, चैप्टर का नाम था कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमने बता रखा है दोस्तों। इससे क्वेश्चन कम से कम दोस्तों कर सकते हैं 3-4 क्वेश्चन आते हैं, बहुत साथी हमारे छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन आज के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। कैसे करें क्वेश्चन, ये सब दोस्तों हम सारी बात आपको बताएंगे, उम्मीद करता हूँ हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी। दो पॉइंट हमने दोस्तों नोट कराया था, तीसरा पॉइंट आपका नोट करिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट नोट करिएगा। जब ब्याज की दर छमाही की घटना की जाए, जब ब्याज की घटना छमाही में की जाए, जब ब्याज की घटना ऐसे लिख लिया करें आप लोग, जब ब्याज की घटना छमाही में की जाए, अब छमाही क्या होता है दोस्तों, ये जानना बेहद ज़रूरी है, छमाही क्या होता है, एक वर्ष में कितने छमाही होते हैं, एक वर्ष में दोस्तों दो छमाही होते हैं, प्रत्येक छः महीने के बाद जो दिन हो छमाही, यानी 6 महीने को छमाही बोलते हैं, 6 माह को। ऐसे ही दोस्तों एक वर्ष में कितने 6 महीने निकलेंगे, कहेंगे सर 2-6 माह निकलेंगे दोस्तों, एक वर्ष में 2-6 माह निकलेंगे, एक वर्ष में दो छमाही होंगे तो यहाँ आप लिख सकते हैं दो छमाही एक वर्ष में प्यारे साथियों 2 छमाही होंगे। यहाँ तक ही साथी कोई डाउट हो तो बताएं, ठीक है। तो ऐसे के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, दर बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर दर बराबर हो जाएगा R/2 और टी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, टी बराबर हो जाएगा आपका 2T। बहुत अच्छे से समझिएगा, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसका यूज है आगे क्वेश्चन में, इसलिए पहले मैं लिखवा दे रहा हूँ दोस्तों। अगर जब ब्याज की घटना छमाही में की जाए, कितने छमाही में की जाए दोस्तों तो दर बराबर R/2 और टी बराबर 2T, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, कहेंगे फार्मूला बन जाएगा दोस्तों ए बराबर पी और ब्रैकेट में 1+R। अब R की जगह दोस्तों क्या लिखेंगे, कहेंगे सर R हो जाएगा बटे 2 है तो 200 हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगा 2T हो जाएगा। ये फार्मूला लॉक कर लीजिए आप। अगर ब्याज की गणना छमाही में की जाए,
ब्याज की गणना छमाही में की जाए। ओके, जब ब्याज की घटना छमाही में की जाए। यहाँ तक मामला क्लियर हो तो आगे चलें। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों समझ में आ गया, जब ब्याज की गणना छमाही में की जाए। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। बड़े अच्छे क्वेश्चन लेके आए दोस्तों आप लोग के लिए। और कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिक समझिए क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे सॉल्व करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। एक एक बात बताऊंगा दोस्तों, जब तक मामला क्लियर नहीं होगा, जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं हो जाएगा आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके, बड़े यूनिक तरीके से बताने का प्रयास करूंगा, धीमे धीमे क्लास चलेगी आपकी, आप निश्चिंत रहिए। चौथा पॉइंट है दोस्तों, जब ब्याज की गणना तिमाही में की जाए। जब ब्याज की गणना तिमाही में की जाए, अब तिमाही क्या होता है दोस्तों, तिमाही मतलब हो गया दोस्तों जैसे कि मान एक वर्ष में कितने तिमाही होंगे। तिमाही मतलब तीन महीने को एक तिमाही कहते हैं, प्रत्येक तीन महीने को एक तिमाही कहते हैं। और एक वर्ष में 12 माह होता है, तो 12 से 3 को भाग दें दोस्तों, कहेंगे सर कितना आ गया, चार तिमाही आ गया दोस्तों। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो बताएं, चार तिमाही आ गया दोस्तों। तो कहेंगे सर R बराबर हो जाएगा 1/4। R की वैल्यू जो हो जाएगी दोस्तों, ये R/4 हो जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट, R/4 हो जाएगा। T बराबर कितना, 40 हो जाएगा। ये आपका दोस्तों R है। अब इसका फार्मूला जो बनेगा, A बराबर क्या बनेगा, कहेंगे सर P और ब्रैकेट में 1 प्लस R रहेगा ही दोस्तों, 4 है तो 400 हो जाएगा, और पावर कितना, 40। तो ब्रैकेट में लॉक कर दें, A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R/400 पावर 40। जब ब्याज की गणना तिमाही में की जाए, जब ब्याज की गणना, अच्छा गणना रहेगा दोस्तों, घटना नहीं गणना, गणना रहेगा गणना, जब ब्याज की गणना तिमाही में की जाए दोस्तों, तिमाही में। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा, नोट करें अच्छे से। जब ब्याज की गणना तिमाही में की जाए तो आपका क्या हो जाएगा, R जो है दोस्तों ये R/4 हो जाएगा, T क्या है, 40 हो जाएगा, समय जो है दोस्तों 4 हो जाएगा, और R का 4 से भाग कर देंगे यानी R/4 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक मामला क्लियर होगा आपको, सारी बातें दोस्तों हमने जो भी अभी तक बता रखी है समझ में अच्छे से आ गया होगा जी। सभी लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और एक बार वीडियो को दमदार तरीके से शेयर करें दोस्तों, एक बार दमदार तरीके से वीडियो शेयर कर दें, जैसे और जितने भी साथी उनको इन्फॉर्मेशन हो जाए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आइए चलते हैं सिंपल क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा आपका। सिंपल क्वेश्चन, साधारण प्रश्न दोस्तों, हेडिंग है दोस्तों साधारण प्रश्न, टाइप नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर पहला, यही से नोट्स बनाइए अच्छे से, आप नोट्स बनाइए, बहुत यूनिक तरीके से बताऊंगा, बहुत स्लो क्लास चलेगी आपकी। आइए देखते हैं क्वेश्चन, नोट करते हैं क्वेश्चन दोस्तों, नोट करते हैं आपका। पाँच हज़ार रुपये के धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से, 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 2-3 मेथड बताऊंगा दोस्तों, जो आपको समझ में आए वही मेथड फॉलो करिएगा, कंटिन्यू बने रहें। बड़ी ऐतिहासिक क्लास होने वाली है आपको मैं बता दूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट की, इसलिए देखना ना भूलें, जितने भी साथी हों उनको भी आप सूचित कर दें। आइए देखते हैं, कहेंगे सर पी पता है कितना है, 5,000 रुपये, आर भी पता है, कहेंगे सर 20% यानी 20%, हमें समय पता है 2 वर्ष, यहाँ तक किसी कोई डाउट हो बताएं। पूछ क्या रहे हैं, कहेंगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहे हैं। हमने बता रखा है दोस्तों, मैथ अगर आपको रियल में पढ़ना है, मैथ समझना है, तो आपको 2-3 बातें बहुत अहम रखती हैं। पहली बात ये दोस्तों, आपको क्वेश्चन में ही आना चाहिए, क्वेश्चन में दिया क्या क्या, गिवन डाटा,
क्या क्या डाटा दिया गया है और क्या पूछ रहा है। जिस दिन अगर ये आपको समझ में आ गए मैथड क्वेश्चन में दोस्तों, पढ़ने के बाद समझिए 50% मैथ आपको आ गई, 50% मैथ आ गया। दूसरा जो स्टेप होता है दोस्तों ये होता है आपको मैथड पता होना चाहिए, आपको फार्मूले पता होना चाहिए, आपको बेसिक पता होना चाहिए किस बेसिक से, किस मैथड से, किस फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दूसरा मुद्दा ये होता है दोस्तों जो मैंने बता रखा है, इसका भी अहम इसमें रोल होता है कह सकते हैं 30-30%। अब दोस्तों लास्ट में जो 20% बचते हैं इसका रोल यही होता है जिनका काट पीट मजबूत होता है, कैलकुलेशन जिनका फास्ट होता है वही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं और चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन उनको मिल जाएगा। बहुत साथी ऐसे होते हैं उन्हें क्या होता है क्वेश्चन में क्या क्या दिया है क्या पूछ रहा है ये वो लिख लेते हैं, लेकिन गिवन आपको किस मेथड से लगेगा, क्या फार्मूला है, बेसिक क्या है ये नहीं पता है। बहुत साथी को ये भी पता होता है कैसे लगेंगे, क्या फार्मूला है, क्या मेथड है, तो लास्ट में आके वो क्या करते हैं काट पीट उनकी कमज़ोर है, कैलकुलेशन वीक है, इसलिए वो राइट आंसर तक नहीं पहुंच पाते। और जो साथी राइट आंसर तक पहुंचते हैं तीनों उनका स्ट्रांग है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, वही विनर होते हैं दोस्तों, उन्हीं को सफलता मिलती है। इसलिए मैंने बता रखा है दोस्तों आप में भी वो चीज़ है, मैंने बता रखा आप यूनिक हैं, आप वो चीज़ हैं दोस्तों जो पूरे इंडिया में कह सकते हैं पूरे भारत में या पूरे एशिया में कोई नहीं है, जो आप में अंदर आपके अंदर जो दोस्तों काबिलियत है वो किसी के अंदर नहीं है। मैंने बता रखा है आप सब कुछ कर सकते हैं, बस करने की आपके अंदर इच्छा जुनून होना चाहिए। इतिहास वही रचते हैं जिनके अंदर कुछ अलग करने का जज्बा और जुनून होता है। आप थोड़ा हट के करिए, लोगों से हट के कुछ सोचिए दोस्तों, एक बार मौका मिले ज़िंदगी में यार दोबारा फिर मौका नहीं मिलेगी लाइफ में, इसलिए कुछ अलग करिए, इतिहास रचिए, कुछ आपको कुछ लोग आपको भी सोचें, आपको देखें कुछ लोग और प्रेरणा हो, अरे यार ये देखिए यहाँ तक पहुँच गए हमें प्रैक्टिस करना है, जानते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ मौका बार बार नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा मौका है दोस्तों, भर्तियाँ सामने लगी हुई हैं, वैकेंसी आने वाली हैं, एक सीट आपकी होनी चाहिए, कितनी सीट है इससे नहीं मतलब है, एक सीट आपको चाहिए। आइए देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों आपको निकालना है, हम बता रहे हैं प्यारे साथियों अभी मेथड नंबर वन से। अब फार्मूला हमने अभी भी लिखवाया है, ए बराबर क्या होता है कहेंगे सर पी होता है ब्रैकेट में 1+R/100 पावर कितना कहेंगे सर टी। अब ये बताइए पी आपको पता है कहेंगे सर 5000 है, 1+R पता है 20% है बटे 100 और समय पता है 2 वर्ष है, 20×5=100 होता है दोस्तों पता होगा। अब ये बताइए 5000 हो गया, अब 5×5 मल्टीप्लाई करेंगे एक में दोस्तों, 5×5 और 5 में दोस्तों एक बचा है 20×20 तो 6 हो गया, 6 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो स्क्वायर 6×36 और 5×2=25 25×2=50 यानी दोस्तों यहाँ कितना बचा 200 और × 36 मल्टीप्लाई कर दें 36×72 यानी कितना के प्यारे साथियों 7200। लेकिन क्या मेरा ये आंसर है, नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आंसर क्या पूछा दोस्तों 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अभी हमने क्या निकाला है ये मिश्रधन है, क्या है ए बराबर मिश्रधन होता है और हमने एक फार्मूला और लिखवाया दोस्तों कि CI बराबर A-P होता है तो निकाल लेंगे ए अभी हम लोग निकालें दोस्तों 7200 और माइनस पी पता है पहले से कहेंगे सर 5000 कितना आ जाएगा दोस्तों कहेंगे सर 2200 आ गया प्यारे साथियों 2200। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक क्लास है आपकी, मैंने बता रखा है दोस्तों बड़े यूनिक तरीके से, बहुत स्लो क्लास रहेगी आपकी, अगर लग रहा हो क्लास फास्ट है तो बताइएगा और स्लो कर देंगे। आइए एक्सप्लेन कर देना एक बार और, पी पता है 5000 प्रिंसिपल अमाउंट, आर पता है 20% तो समय पता है दोस्तों 2 वर्ष, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहे हैं 2 वर्ष के बाद, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1+R/100 पावर टी। अब पी क्या है, पी प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन है जो दिया है 5000, एक आपको पता है एक रहेगा, प्लस क्या है दोस्तों आर कितनी है 20 यानी 20 है बटे 100 पावर कितना 2, 20×5=100 होता है 5×5 और एक कितना 6 और 6 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों वर्ग करेंगे 36 और 5 को वर्ग करेंगे 25×25 तो 5000×36/25 25×50 यानी 200×36 और 200 में 36 का मल्टीप्लाई करेंगे 36×72 यानी 7200 आ गया। हमें 7200 मिल गया दोस्तों, क्या एडिशनल अमाउंट क्या मिल गया दोस्तों, एडिशनल अमाउंट आपका क्या हो गया मिश्रधन हो गया दोस्तों। अब हमें निकालना क्या है, CI निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, ए माइनस पी ए पता है 7200 और पी आपको प्रिंसिपल अमाउंट पता है 5000 उसमें घटा देंगे तो आपका आ गया आंसर कितना 2200। यही आपका क्या है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। नोट करें प्यारे साथियों, जल्द से जल्द नोट करें, फिर सेकेंड मेथड बता रहे हैं आपको। हो गया
इसलिए दोस्तों मेहनत खूब करें आप लोग, और आप लोग के ऊपर बहुत उम्मीद है, आप लोग सफल आने वाले भविष्य हैं दोस्तों, खूब मेहनत करें, प्रैक्टिस खूब करें। मैं ये चाहता हूँ दोस्तों आप लोग केवल एक सिलेक्शन न लें, आपका रैंक होना चाहिए, चाहे UPSC हो, चाहे CGL हो, चाहे SSC GD हो, चाहे ग्रुप डी हो, उसमें आपकी एक अच्छी खासी रैंक होनी चाहिए। सिलेक्शन सब ले लेते हैं, तो आपकी एक रैंक होनी चाहिए, और रैंक उन्हीं होगा दोस्तों जो दिन रात मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, उन्हीं को सफलता मिल पाएगी। खूब हार्ड वर्क करिए दोस्तों, जितना हो सके उतना अपने आप को तपाइए। यही 3-4 महीने या 3-4 महीने की बात है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सब अनइंस्टॉल कर दीजिए, रिलेशन में आना जाना बंद कर दीजिए। दोस्तों अगर फ़ोन आ रहा है आपको गुमराह कर रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें भी आप लॉक कर दीजिए। 3-4 महीने की बात है, रिजर्व हो जाइए आप, एकदम आप रिजर्व हो जाइए, कंसंट्रेट बनाइए। 4 महीने की बात है दोस्तों, लग जाइए, जुट जाइए और ले लीजिए एक जॉब। आइए समझ में आ गया, आइए चलते हैं सेकंड मेथड में। सेकंड मेथड कैसे सॉल्व करेंगे उसे देखते हैं, आइए सेकंड मेथड देखते हैं। अच्छा, जो जो पता था उसे रहने देते हैं, सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड, 2-3 मेथड दूंगा दोस्तों, जो आपको बेस्ट लगे उसी को फॉलो करिए। आइए फिलहाल देखते हैं सेकंड मेथड कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड ही बहुत अच्छा मेथड है दोस्तों, डायरेक्ट आंसर आएंगे आपके। आइए देखते हैं कैसे लगाते हैं सेकंड मेथड को। देखिए सेकंड मेथड फॉर्मूला होता है दोस्तों परिवर्तन प्रतिशत बराबर एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स इंटू वाई बटे कितना 100। सॉरी, तो परिवर्तन प्रतिशत बराबर एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। अब ये देखिए आपको पता होगा, आप कहेंगे सर एक्स वाई यहाँ क्या है, कैसे मानेंगे, क्या मानेंगे? तो देखिए एक काम करना है आपको, इसमें दे रखे हैं दोस्तों आपका 2 वर्ष के बाद आपको बताना है CI, 2 वर्ष के बाद बताना है चक्रवृद्धि ब्याज, और दर आपको दे रखे हैं दोस्तों, रेट दे रखे हैं कितना है, कहेंगे सर 20। तो यही दोस्तों है 20%, यही मानेंगे एक्स और वाई। यानी दोस्तों आपका कितना आ गया, 2200 आ गया। पिटा देंगे दोस्तों आगे 44%, यही 44% आपको निकाल लेना है 5000 का। यानी 2 वर्ष का CI आपको प्राप्त हो जाएगा 5000 का 44% निकालने के बाद। जी आपको दोस्तों 2 वर्ष का CI पता चल गया कितना आ गया, 44% इसका निकाल लेंगे, 2200 आ जाएगा दोस्तों। नोट कर लें, तो आप लोग के लिए एक अच्छा थाट लेके आया हूँ, उसे फिर दोस्तों आप लोग के बीच रखता हूँ, बहुत अच्छा थाट है, उससे आप लोग मोटिवेट होंगे दोस्तों। इसे नोट कर लें फिर बताते हैं। आइए बताते हैं, दो व्यक्ति रहते हैं दोस्तों, बड़ा अच्छा थॉट है आप लोग के बीच रखना चाहता हूँ। दो व्यक्ति रहते हैं, एक लोग के पास क्या होता है दोस्तों 200 बीघे ज़मीन होते हैं दोस्तों, 200 बीघे आपको पता होगा, 200 उनके पास क्या है, ज़मीन होता है। और एक व्यक्ति होते हैं दोस्तों उनके पास मात्र और मात्र 1200 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा मकान होता है दोस्तों, जिसकी वजह से ये जो 200 बीघे वाले का ज़मीन है इनमें से उनका 50 बीघे खेत चले जाते हैं। कितना दोस्तों, 50 बीघे खेत चले जाते हैं सरकार के बजट में, ठीक है, कितने 50 बीघे। अब बचे कितना, कहेंगे सर 150 बीघे इनके पास बचे हैं, कितना 150 बीघे। और जो इनके पास दोस्तों जिनका ज़मीन गया किसमें चला गया, रोड में चला गया दोस्तों, किसमें चला गया, रोड में चला गया। और वो रोड जो जिनके पास 1200 स्क्वायर फीट का जो प्लाट था दोस्तों, जो मकान था, उनके सामने से गया, उनके सामने से गया। तो जिनके पास 200 बीघे था जमीन दोस्तों, हाँ 9 तारीख को, तो कहने मतलब है दोस्तों कि 50 बीघे उनको केवल क्या है दोस्तों, अभी भी उनके पास 150 बीघे खेत बचे हुए हैं, लेकिन वो रो रहे हैं, क्यों, हमारे 50 बीघे चले गए, हमारे 50 बीघे चले गए, वो रो रहे हैं। और लेकिन जिनके पास क्या है, केवल 1200 स्क्वायर फीट दोस्तों एक छोटा सा प्लाट है, उनके सामने से रोड चली गई, वो क्या कर रहे हैं, खूब नाच गा रहे हैं कि हमारे सामने से रोड चली गई, हमारे सामने से रोड चली गई। जिनके पास 150 बीघे अभी शेष बचे हैं दोस्तों, रो रहे हैं। और जिनके पास एक छोटा प्लाट है 1200 स्क्वायर फीट का, लेकिन वो मस्त हैं, क्यों, उनके सामने से रोड चली गई।
तो दोस्तों कहने मतलब ये है, जो चला गया उसको आप न ध्यान दें, जो जब बीत गया तो चला गया उसको जाने दीजिए। अभी सारे जो भी प्रिपरेशन मैं कर रहा था बंद कर दिया था, मैं बहुत पीछे हो गया, मेरी पढ़ाई अब नहीं हो सकती, ये सब गलत बात है दोस्तों। आप रोना ना रो, ये जानते हैं जो भी जहाँ पे जिस प्लेस पे अभी हैं आप, अभी भी आप उठ सकते हैं। आप चाह लीजिए तो दोस्तों आप, मैंने बता रखा है आपकी दृढ़ शक्ति चाहिए, कोई भी बड़ा से बड़ा काम दोस्तों आप कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए जो बीत चुका है, जो चला गया है, उसके बारे में आप पछतावा न करिए, रोना ना रोइए दोस्तों, हमारा तो चला गया, हमारा चला गया, जो है उसी में खुश रहिए और प्रैक्टिस करिए। और चाहेंगे आप अभी भी जितना है उससे आप और अपना बैकअप बना सकते हैं और ऊँचाई तक आप उठ सकते हैं दोस्तों। इसलिए जो भी है आप उसी में सर्टिफाइड रहिए और खूब मेहनत करिए। जो चला गया दोस्तों उसमें आप परेशान ना होंगे, जो है उसको और आप बढ़ाइए, प्रैक्टिस करिए। बहुत साथी को होता है, सर हमने पेपर दिया दो नंबर से हमारा उस बार रुक गया था, इसलिए अब मन नहीं कर, उसको भूल जाइए दो नंबर से रुक गए। इस बार प्रैक्टिस करिए, सामने वैकेंसी लगी हुई है, UPSI है आपका, ग्रुप डी है, SSC GT आने वाली है, CGL है दोस्तों। इस बार ऐसा आप रणनीति तैयार करिए, ऐसी प्लानिंग करिए, इस बार एक सीट आपकी होनी चाहिए। जो चला गया दोस्तों, जो परीक्षा में नहीं हुए आपका, जो भी आप पेपर दिए थे नहीं हुआ, उसको भूल जाइए। अब अपना एक रणनीति अलग बनाइए और ये मान चलिए मुझे इस बार ये जॉब लेना है, चाहे जैसे हो दोस्तों मुझे ये जॉब लेनी है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसी में आइए एक मेथड दोस्तों आपको और बता रहे हैं, तीसरा मेथड। देखिए तीन चार मेथड लेके आया हूँ, जो आपको बेस्ट लगे उसे फॉलो करिए। तीन चार मेथड लेके आया हूँ दोस्तों आप लोग के बीच। तीसरा मेथड देख लेते हैं दोस्तों, एक वर्ष का SI, एक वर्ष का SI बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? प्रिंसिपल अमाउंट आपका 5000 पता है, समय एक वर्ष, दर आपको पता है 20, बटे कितना दोस्तों 100, 0 से 0, 0, 0 काट दें, कितना हो जाएगा? ये देखिए आपका कितना है दोस्तों, 1000 आ जाएगा, कहेंगे हाँ सर 1000 आ गया। 50 में दोस्तों 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 आपकी आ गया, एक वर्ष का SI। हमें निकालना क्या है दोस्तों, दो वर्ष का CI निकालना है, दो वर्ष का CI, दो वर्ष का CI निकालने लिए दोस्तों एक वर्ष का तो आपका 1000 ही रहेगा। अगले वर्ष क्या होगा दोस्तों आपका, 1000 पे क्या होगा दोस्तों आपका ब्याज, तो एक और आपका दर पता है 10, बटे कितना कहेंगे सर 100, कटा पिटा दीजिए, 0 से 0, 0, 0 कटा दें दोस्तों। अब ये बताइए कितना हो गया, यहाँ तो दोस्तों 1000 पहले एक वर्ष का था, अब प्लस दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0, 0 कट गया दोस्तों, ये हो गया आपका 10, अच्छा 20 था दोस्तों आपका, दर कितना था कहेंगे सर 20% था, 20 था दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 200 और 1000 1200, कितना हो जाएगा दोस्तों 1200, आपका जो आ गया दोस्तों कितना आ गया 2200, नोट कर लें। जानते हैं एक वर्ष का SI और एक वर्ष का CI दोस्तों बराबर होता है, एक वर्ष का SI और एक वर्ष का CI बराबर होता है, नोट करें फिर आगे चलते हैं दोस्तों। एक वर्ष का SI और एक वर्ष का CI बराबर होता है, अच्छा नहीं दिख रहा है, देखिए मैं आपको बता दूं, फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बहुत अच्छा फार्मूला, ये भी क्वेश्चन मेथड आपका बेस्ट है, बहुत साथी को नहीं समझा, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, एक बार अच्छे समझिए आप, देखिए फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों। आपको एक वर्ष का SI पता चल गया कितना है सर 1000, हमें दो वर्ष का SI चाहिए, दो वर्ष का क्या चाहिए, CI चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये बताइए 1000 तो एक वर्ष का दोस्तों निकाल लिए हैं, और हमने बता रखा है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट वही होता है जो आपका एक साल का जो ब्याज हो उस पर भी अब ब्याज चले, उस पर भी ब्याज चले, यानी 1000 पे ब्याज आपको निकालना है, 1000 तो पहले से पता है, कोई डाउट यहाँ तक, 1000 तो पहले से एक वर्ष का आपका ब्याज निकला है दोस्तों कितना 1000 जी, ये पता है। दूसरी बार दोस्तों इसी 1000 पे अब आपको ब्याज निकालना है, तो प्लस 1000 और इंटू कितना है आपका एक वर्ष का निकालना है, दर 20 है दोस्तों, बटे कितना 100 कर देंगे, 0 से 0, 0, 0 कटा देंगे, ये दोस्तों 20 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 10 में 200, आपका हो गया दोस्तों 1000, कितना आ जाएगा दोस्तों कहेंगे सर 1200, बराबर कितना आ जाएगा 2200, नोट कर लें 2200 आ गया। अब इसी नीचे पॉइंट नोट करिएगा, बहुत साथियों को कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक पॉइंट नोट करिएगा दोस्तों, एक पॉइंट नोट करिएगा, एक वर्ष का साधारण ब्याज, एक वर्ष का साधारण ब्याज, एक वर्ष का साधारण ब्याज
और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। यानी दोस्तों कहने मतलब यह है कि एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और एक वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है, आपस में बराबर होता है। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होते हैं। कैसे, आइए प्रूफ कर रहे हैं। फार्मूला मान लेते हैं, मैंने मान लिया दोस्तों P बराबर कितना 5000, R बराबर मान लेते हैं 10% का 2, ठीक रख देते हैं। P की पता है दोस्तों 5000, प्रिंसिपल अमाउंट 5000, दर आपको पता है 10, समय 1 है दोस्तों, बटे कितना 100, 0 से 0 0 0 कटा देंगे, कितना आ जाएगा, कहेंगे सर 500 आ गया, 500 आ गया दोस्तों साधारण ब्याज। अब ये बताइए एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया है, 500 रुपये। मैंने लिखवाया एक वर्ष का साधारण ब्याज और एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होते हैं। आइए प्रूफ करते हैं। दूसरा फार्मूला दोस्तों CI निकालने के लिए मैंने बता रखा है, CI का फार्मूला क्या होता है, आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। टाइप में अगला क्वेश्चन नोट करिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, बीस हज़ार रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से अब देखिए क्या हो जाएगा, कहेंगे सर 20,000 इंटू 11 क्यों करेंगे दोस्तों 1331, और 10 से क्यों करेंगे 1000, 30 से 30 दोस्तों कटा दें, यहाँ हो गया 20 इंटू 1331, मल्टीप्लाई करा दें, 0 हो जाएगा, 2 3 दुना 6 और 2 1 2, यहाँ तक किसी कोई डाउट हो, हमने कुछ नहीं किया दोस्तों, 0 0 कटा दिए, जी 0 0 0 कटा दिए, 3 0 3 0 कटा दिए, 1331 में 20 का मल्टीप्लाई कर दे, 0 हो गया, 2 1 2 और 2 3 6 2 3 6 2 1 2, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि फार्मूला होता है A-P, ए हमें पता अभी चला है 26,620 में, उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे साथियों समझ में आ गया होगा, 6620 नोट कर लें, 6620 मेथड नंबर 1 से है, मेथड नंबर 2 और 3 आप अप्लाई करिएगा, आंसर वही आएगा दोस्तों, नोट करें। तीसरा क्वेश्चन नोट करिएगा, दो क्वेश्चन हमने बता रखा दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन नोट करिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन नोट करें। पाँच हज़ार रुपये की धनराशि पर आपके इस आज के सेशन का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन होगा, 5,000 रुपये की धनराशि पर 20% कॉमा 10% 5,000 रुपये की धनराशि पर 20% कॉमा 10% वार्षिक ब्याज की दर है, समय 2 वर्ष है, तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। हो गया, आइए देखते हैं मेथड 2। मेथड 2 दोस्तों बहुत आसान है आपका, एक काम करिए, मैंने बता रखा है परिवर्तन प्रतिशत, मेथड 2 परिवर्तन प्रतिशत, फार्मूला क्या होता है, x + y + xy/100, तो आपको पता है 20% + 10% निकाल लेंगे, क्या 2 वर्ष का CI निकाल लीजिए, आपको अमाउंट पता है, कहेंगे हाँ सर पता है 5,000 रुपये, 5,000 का 32% निकाल लीजिए, 0 से 0 0 0 कटा दीजिए, आइए देख लेते हैं,
कितना है दोस्तों? 3200 कितना है? 50 है। 3200 कितना है दोस्तों? 50 है। मल्टीप्लाई करा दीजिए 0, ठीक है। 1600। नोट करें मेथड नंबर 2 से। आसान है कि नहीं? कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर y बटे 100 और 20 प्लस 10।